पढ़ी थी और इस मंदिर के प्रांगण में, ईश्वर के प्रांगण में सभी रामाय भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे इस हिंदू धर्म में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। हमें गर्व है कि हम इस भारत देश में रहते हैं और इसके संस्कार हमारे अंदर हैं। तो सभी एक बार दोस्त हिंदू धर्म जिंदाबाद, सत्य सनातन धर्म की। आप सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आई हूँ। जैसा कि भाई साहब ने मेरे विषय में बताया, सरस्वती विहार से पहले मैं निगम पार्षद रह चुकी हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में मैं निगम महिला मोर्चा में मैं मंत्री हूँ और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में भेजा है। आप सभी का आशीर्वाद मुझे तमाम मिले इसकी मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी से निवेदन करती हूँ। और जो जैसा भाई साहब ने बोला है कि सेवा सेवा ही मेरा भाव है, मैं आप सभी से एक बात ये कहना चाहूँगी कि उम्मीदवार के विषय में हम सभी को जानना चाहिए कि हम सभी का मत है। अगर आपको कुछ भी जानना है तो एक बार सरस्वती विहार वार्ड में जाकर आप मेरे बारे में कुछ भी जान सकते हैं, तो आपको वहाँ से मेरे सेवा भाव का और मेरे करे हुए कामों का आपको पता चलेगा। तो आपको मेरे ऊपर बिल्कुल निस्संदेह कोई शक नहीं रहेगा कि ज्योति अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भेजा है तो वो किस भाव से भेजा है। और ईश्वर की ये इच्छा ही होगी जो उसने चार वार्ड हमारे रानीबाग में जोड़ दिए और मुझे यहाँ से उम्मीदवार बना करके खड़ा करा। ये उस ईश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा वही थी सरस्वती विहार वार्ड, क्योंकि मैंने 10 साल वहाँ पर काम किया था। लेकिन ईश्वर की इच्छा से ऊपर कोई इच्छा नहीं है। उस ईश्वर प्रांगण में खड़े होकर मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि ये उस ईश्वर की इच्छा है तो आप मुझे अपने आशीर्वाद से उम्मीदवार बनाए, यहाँ से अपना प्रत्याशी चुने और मैं आपको सभी विजयी बनाए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि आपको मेरे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि सभी भाई साहब मेरे उम्र में बहुत बड़े हैं और इनका मान रखना मेरा मान होगा। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले। इस ईश्वरीय प्रांगण में आप सभी से मैं वादा करती हूँ कि आपको मेरे कभी कोई शिकायत नहीं होगी और ईश्वरीय प्रांगण में खड़े होकर कभी कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। और यहाँ पर आकर मुझे जो शांति, जो पॉजिटिविटी मिली है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पूरे दिन की थकान होती है, दिमाग में सभी तरीके के ख्याल होते हैं, टेंशन होती है बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर आकर मैं भाई साहब का आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हनुमान भगवान का मुझे आशीर्वाद दिलवाया और आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत हम सब भी आज खड़े लेते हैं आपको रानीबाग क्षेत्र से भारी से भारी बंबर से भी नहीं पाएंगे। चलो भारतीय जनता पार्टी हमें पूरा भरोसा है बहन ज्योति जी के ऊपर, क्योंकि इनका नाम जो है ज्योति, ये ज्योति ही फैलाएगी। या देवी सर्व भूतेषु ज्योति रूपेण संस्था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मुल्तानी मोहल्ला, ये महावीर बालाजी का द्वारा, ये छोटा सा द्वारा, ये सब आसव आपके साथ है और आप आगे आए और अपनी सेवा करें। परमात्मा की कृपा भी अभी आरती करेंगे और बालाजी महाराज।